सुपेला थाना पुलिस ने दो अलग अलग मामलों में तीन आदतन नाबालिग चोर और एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। दोनों मामले को नेहरू नगर में अंजाम दिया गया था। चोरी के माल को खपाने की कोशिश करते आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। आरोपियों द्वारा सुने मकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से जेवर, घड़ी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, साउंड बॉक्स आदि बरामद किया है। पूरे मामले की जानकारी सुपेला थाना प्रभारी दुर्गेश शर्मा ने न्यूज टीम को दी है। नेहरू नगर क्षेत्र में एक सत्यन चतुर्वेदी प्रार्थी है, उनके घर पे चोरी हुई थी, जिसमें उनके काफी सामान जो सोने चांदी के सामान थे और महंगे महंगे जो घड़िया थी वो काफ़ी बड़ी मात्रा में चोरी हो गई थी, जो और चांदी के सिक्के वगैरह भी थे। जो पुलिस लगातार चोरी एफ आई आर करने के बाद पे लगातार चोरों को पता तलाश कर रही थी, सीसीटीवी फुटेज लिए जा रहे थे और भी जो टेक्निकल हमारे पास में साधन है उन साधनों के जरिए पुलिस आरोपियों को पता तलाश कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि इस चोरी में कुछ आबचारी बालक जो नाबालिग लड़के हैं क्षेत्र में अक्सर करके चोरी करते हैं वो लोग शामिल हैं। तो पुलिस इस सूचना पर उन जो नाबालिग लड़के हैं उनको हिरासत पे लेकर पूछताछ किए। उन्होंने चोरी की घटना को अंजाम देना स्वीकार किया और उनके साथ में एक बालिग रोहित कुमार बारले, जो अटल आवास नेहरू नगर का ही रहने वाला है, उसको भी पुलिस ने हिरासत पे लिया। पूछताछ करने पर सभी ने अपना जुर्म स्वीकार किया और पुलिस ने जो चोरी की मशूका है, चांदी के जो सामान हैं और काफ़ी बड़ी मात्रा में घड़ियाँ थी, वो सारा कुछ सामान करीब 2.5 लाख के आसपास की मशरूका है को बरामद करने में सफलता प्राप्त की है। इसमें दो अपचारी बालक अभी भी फरार हैं, जो पुलिस के पकड़ में नहीं आ पाए हैं। इसके अलावा इन्हीं अपचारी बालकों में से एक अपचारी बालक के द्वारा एक अन्य प्रमोद सोनी निवासी नेहरू नगर है, इनके घर से इनके मोबाइल को चोरी किया गया था, जिसमें भी पुलिस ने एफ आई आर दर्ज किया था। एफ आई आर चोरी दर्ज करने के उपरांत ये जो चोरी पकड़ी गई इसके साथ पे एक मोबाइल भी वन प्लस का जो कीमती 27,000 रुपये के आसपास का है को बरामद कर लिया है और दोनों ही मामलों पुलिस के द्वारा विधि संगत कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया। पहले कई मामले दर्ज हैं और क्षेत्र नेहरू नगर आसपास के जो क्षेत्र में लगातार ये लोग चोरी करने में सक्रिय रहते हैं। कभी किसी के एसी के तार वगैरह को काट लेते हैं या कभी किसी का बर्तन वगैरह चोरी कर लेते हैं, या घर में भी कई बार ऐसा हुआ कि बड़ी चोरियाँ भी ऐसी बड़ी चोरियाँ जो देख कर लगता है कि कोई बड़े लोग करते होंगे, ऐसी चोरियाँ भी अक्सर करके करते रहते हैं। पुलिस ने करीब 5 से 7 मामले पिछले एक साल के अंदर इनसे दर्ज करने के उपरांत पे बरामद किया है और आदतन किस्म के हो गए हैं और लगातार पुलिस के द्वारा इनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है और विधि संगत कार्रवाई करते हुए मामला प्रस्तुत किया जा रहा है।